कालीगंज विधायक माननीय संदीप सौरभ जी, इस मांग के साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो इस आंदोलन में आए हुए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं और आपकी आवाज, आपके संघर्ष को सलाम करता हूं। पीछे से साइड दबा के पीछे भेजिए, पीछे 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 पीछे। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आपके संघर्ष में आपका साथ देने की बात कहता हूँ और हम लोग ये जानते हैं कि पूरे बिहार में जो शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका आंदोलन सिर्फ उनके रोजगार का मामला नहीं है। इस बात को हमने बार बार रेखांकित किया है कि स्कूलों के अंदर जिस तरीके से शिक्षकों की कमी है और समूचे देश में छात्र शिक्षक रेशियो जो होता है, जो अनुपात सरकार ने तय किया हुआ है कि 30 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन बिहार में हम देख रहे हैं कि 110 बच्चों के ऊपर भी एक शिक्षक मुश्किल है और जानबूझ करके ऐसा कर रहा सरकार इस तरह की परिस्थितियों को पैदा करके रखी हुई है। इसका एक बड़ा कारण है क्योंकि शिक्षा जो है, जिसको इस देश के संविधान ने आर्टिकल 14 और 15 के तहत समूची जनता के लिए फंडामेंटल राइट बनाया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने आने वाली हर सरकारों की यह जिम्मेदारी तय कर दी थी कि अपने नागरिक को शिक्षित करना सरकार की जवाबदेही होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि शिक्षा के भीतर दोहरी नागरिकता चल रही है। एक तरफ सरकारी स्कूलों में तमाम गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं जहां सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं, और दूसरी तरफ महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल है जहां गिने चुने लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो सवाल है कि इस देश की 80% आबादी जिनके बच्चों के पास